नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मुल्त्रा। लगता है नेताओं पर आजकल शायराना खुमार चढ़ने लगा है। राहुल गांधी से लेकर राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता तक एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं, तो वो भी मिर्जा गालिब के अंदाज में। इस शायरी और सियासत के शायराना संग्राम में अब अमित शाह भी कूद पड़े। दरअसल ये शायरी संग्राम की शुरुआत ही अमित शाह के उस भाषण से हुई थी, जब बिहार वर्चुअल रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। शाह की ये बात सुनकर राहुल गांधी भी पूरे शायराना मूड में आ गए। उन्होंने तुरंत ट्वीट कर तंज मारा, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। राहुल के शायराना वार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने महाराष्ट्र वर्चुअल रैली में राहुल को जवाब देते हुए सीधे हाथ के पंजे पर वार कर दिया। उन्होंने कहा, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। बहनों भाइयों, भारत चीन को सीमा को लेकर एक विवाद का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। हम चाहते हैं कि यह सीमा का विवाद जल्दी से जल्दी सुलझना चाहिए। आज मैंने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने और साथ ही साथ राहुल जी ने पूछा कि, और एक और बड़े सांसद ने पूछा विरोधी दल के, कि सरकार को आकर बतलाना चाहिए कि भारत और चीन की सीमा पर क्या हो रहा है। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी कहना होगा भारत की संसद में खड़े होकर मैं साफ साफ कहूंगा, दो टूक कहूंगा, इस देश की जनता को गुमराह नहीं करूंगा। इस समय भारत और चीन दोनों के बीच मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है और डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। अभी 6 तारीख को जो बातचीत हुई है, बातचीत काफी पॉजिटिव रही है, काफी सकारात्मक रही है। भारत और चीन दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि आगे भी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और इस समय का जो टसल है उसे सुलझाने के लिए यह बातचीत का सिलसिला हम लोगों का आगे चलेगा। लेकिन मैं समस्त देशवासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक तो नेतृत्व हमारे भारत का एक सशक्त व्यक्ति के हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस शायरी संग्राम में अब अमित शाह की बारी थी। उन्होंने बंगाल रैली होने की वजह से राहुल गांधी को तो जवाब नहीं दिया, लेकिन दुष्यंत कुमार की जोशीली लाइनों के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भरा। बंगाल जीतने के लिए शाह ने हुंकार भरी। आपको एक हिंदी की मशहूर कविता दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं मित्रों, कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं आई। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं और हिंदी में है, मगर मैं मानता हूं कि आप मेरी ये सुंदर कविता किसी कवि की है, इसका अर्थ समझेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। एक पीड़ा का पहाड़ है, वहां से गंगा निकालने की कभी बात कर रहा है। सिंह सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बंगाल को हम बदलना चाहते, मेरे सीने में ही नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये परिवर्तन की आग, आप उसके वाहक बने। बंगाली जनता भारतीय जनता पार्टी के सोनार बांग्ला को अपना स्वप्न बनाए और सोनार बांग्ला के आह्वान के लिए, इसकी रचना के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करें। बिहार से वर्चुअल रैली की शुरुआत करने वाले अमित शाह आजकल कार्यकर्ताओं और पार्टी के बीच बनी सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म करने के लिए मिशन मोड में आ गए। 7 जून से 9 जून के बीच अब तक वो 3 राज्यों के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। इनमें बिहार में जहाँ इसी साल चुनाव होना है, जबकि बंगाल और ओडिशा में बीजेपी पैर जमाने के लिए जी जान से जुटी हुई।